जल्दी से करो इसका, मुझे साक्षी की शादी में जाना है। साक्षी विदाई की बेटी सामने। बहुत ही जबरदस्त कवि है, बहुत ही हैंडसम टैलेंटेड कवि है, ऐसा मैं खुद का मानना है। पर आप हम भी मानने लगे जब इनका प्रोग्राम कर देखा, जबरदस्त परफॉर्म किया कल उन्होंने। और कौन सी जगह पे किया? बांसवाड़ा पे। मैंने कहा भाई हम जैसे गंदे लोगों को क्यों बुलाया गया, पूरे शहर का नाम ही बांसवाड़ा है। अच्छा इमाम था, जितने गंदे लोग को वहां बुलाया। पप्पू भाई यहाँ पर मौजूद है, अशोक जी आ जाइए, अभी का इंतजार है। लाइए माइक, माइक माइक टाइसन हमारे, अरविंद साहब का जोरदार ताली से इस्तकबाल किया जाए। इनका एक एक बाल इस्तकबाल होता है। अरविंद भाई द ग्रेट, फर्स्ट कम फर्स्ट वीआईपी, और हमारे सभी मेहमान का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस मूवी की का म्यूजिक रिलीज है हमारे बहुत ही जबरदस्त रिस्पेक्टेड कंपनी की तरफ से, जिसका नाम है प्रिया वीडियो। आप लोग प्रिया ऑडियो के प्रिया वीडियो, वीडियो ही इनका मशहूर रहा है, लेकिन इनका बड़प्पन है कि अभी ऑडियो में भी आ रहे हैं। और हमारे शायद हमारी भी शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रिया वीडियो की तरफ से हमारा ऑडियो आ रहा है और गाने आप अब धीरे धीरे सुन ही रहे, देख ही रहे, तो बहुत अच्छा है। इसरार भाई हमारी फिल्म को ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बहुत हेल्प कर रहे हैं, जोरदार तालियां। मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर देखे हैं लेकिन कोई हेल्पफुल नहीं होता है, इसलिए भाई आप हेल्प कर रहे हैं। भगवान मालिक आप हमेशा बड़ी बड़ी फिल्में देते रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, नंबर वन तो है ही, आप हमेशा नंबर वन बने रहे। वसीम बाइक लेके आ गए हैं, आप सबके मोबाइल में जो सिम है वो वसीम ही है, मतलब मोबाइल में इनका जैसे नंबर सबका फीड होता है, इनका तो सिम फीड है। इतने अपने हमारे चाहते हमारे कि हम सबके दिल के अजीज है। शब्बीर भाई के बारे में क्या कहूँ, इनके बारे में हमेशा कहता हूँ एक तरफ सब फीड और दूसरी तरफ सब फीड। शब्बीर भाई हीरा पन्ना में रहते हैं, तो हीरा पन्ना में हीरा यही है, पन्ना पता नहीं कौन है। और पप्पू भाई के बारे में क्या कहूँ, पप्पू भाई झारखंड और बिहार के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, मैं समझता हूँ कि इतना हैंडसम डिस्ट्रीब्यूटर मैंने पहली बार देखा। डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं आपका दिल भी है पप्पू भाई के, जोरदार ताले। और मैं समझता हूँ कि बिहार हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह है, बिहार जो है हमारे बहुत रिस्पेक्टेड जगह है, क्योंकि बिहार की धरती पर हमारे कॉमेडी के गुरु लालू प्रसाद यादव पैदा हुए। भांजे हमारे भांजे के जोरदार तालियां, बहुत मेहनत की, भांजे आ जाओ। जिनकी शक्ल देखकर ही नशा छा जाता है कि वो भांजा है, समझ लेते कि भांजा है, चरस गांजा है। भांजे ने बहुत मेहनत की है, प्रिया वीडियो की तरफ से बहुत भाग दौड़ की है, पूरा गाना बनाना, पूरा एलए कार्ड बनाना, वीडियो बनाना, तो थैंक यू भांजे, और बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबकी वजह से आज ये महफिल हो पाई है। हम तो वही कहते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, सब लोगों ने बहुत मदद की तब जाके हमारी फिल्म आज 19 जुलाई को रिलीज होने वाली है। आप सब लोग आए अपना कीमती वक्त निकाल कर, कुछ लोगों ने अपना कीमती वक्त जाया किया, कुछ जिसके पास में हो और आप लोग वक्त अपना मुझे दे रहे हैं तो जरूर अपना वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा। कंजू कहता है, कोई कहता है कि मुझे चमन, कोई कहता है गॉन केस। अभी मुझे साहब भाई कहते हैं तुमने कॉमेडी फिल्म क्यों बनाई, आजकल तो बायोपिक का जमाना है। बायोपिक ही है ये, हर
गंजे की कहानी। तो भाई साइन करने में जब कलाकारों के पास में गया तो सबसे पहले राखी के पास गया, तो राखी ने कहा यस बताओ मेरे लिए क्या आइटम डांस है। मैंने कहा आइटम डांस में इस बार तुम्हारे लिए फिल्म में वो है जो तुम्हारे पास है ही नहीं। मैंने क्या कैरेक्टर चरित्र कैरेक्टर मतलब एक्टिंग क्या सोच रहा क्या सोच रहा उन्होंने आज तक एक्टिंग की क्या आइटम सॉन्ग की ना। तो मैंने कहा मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ आप एक्टिंग करोगे आप लोग गलत पर सुन लिया प्लीज जरूर लगा दोगे। फिर मैं मास्टर जी के पास में गया मास्टर गणेश जी के पास। अरे क्या बोल क्या चाहता है तू क्या चाहता है तू कोई काफी चाहता है। मैंने कहा नहीं सर मैं चाहता हूँ कि आप इस फिल्म में एक्टिंग करें। क्यों मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में वजन है इस फिल्म में वेट है। मेरे मोटा भी है सर। नहीं नहीं सर आपका नाम गणेश है और जिस फिल्म में गणेश का नाम जुड़ जाए उस फिल्म में गणेश वजन नहीं है वजन और भजन दोनों आ जाएगा। आप लोग रिस्पॉन्स देते भोजन भी आ रहा है कुछ लोग अभी परेशान ऐसे कि मेन चीज नहीं आ रहा तो ये सब तो आ रहा है वो नहीं आ रहा। तो गाने जो है बड़े अच्छे गाए गए उदित नारायण जी के लिए जोरदार तालियां वहां तो बिना व्यक्ति देंगे क्योंकि हम सब कॉमेडियंस के बड़े चाहते। हाईलाइट ये है कि वो भी हम कॉमेडियंस को बहुत पसंद करते उदित जी मतलब शफीर भाई उदित जी ऐसे ऐसे कॉमेडी को पसंद करते हैं जो जिनके नाम भी नहीं अभी मतलब जो हम लोग जब मेरी जो मुलाकात हुई थी उसे तो मेरे बड़े मिला था उसे फुटपाथ पे से गाना गा के निकल गए थे। उन्होंने कहा सर मैं सुनील पाल में बिक्री करता हूँ बहुत पहली की बात लाफ लाफ नहीं आया था। अरे वाह क्या बात पहला ही शब्द था अब जानते मैं कॉमेडी में बिक्री करते थे सुना भी नहीं कमाल है सारा क्या बात सर जी महेंद्र वोरा जी करमवीर वोरा जी के फादर जी की भी फिल्म आई थी हमें तुमसे प्यार कितना जोरदार तालियां। करमवीर वोरा जो हमारे सुपरस्टार है जो हमारे टेलीविजन के शाहरुख खान कहलाते हैं उनके पिताश्री यहाँ पर मौजूद होंगे। महेंद्र जी आपका स्वागत है और शबीना कम रानी कम शबीना को पहले तो चेंज कर एक मिनट आ जाओ शबीना का बहुत जिसकी बैटरी फुल हो बैटरी ऑलरेडी बैटरी क्या बात हो भाई सभी लगे जोरदार तालियां हमारी फिल्म की लेडी लेडी इनका बड़क पन ये है कि इन्होंने मेरे अपोजिट पसंद किया जोरदार ताली इनका बड़क पन अरे भाई माइक ऑन करो इस लड़की के बारे में क्या कहूँ ये लड़की दिल की साफ है और दिमाग की भी साफ है मतलब दिमाग में कोई गंदगी इतनी साफ सुथरी लड़की है। और आज तुम्हें हमारे फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो रहा है कुछ कहना है म्यूजिक के बारे में गानों के बारे में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशली सुनील जी का और जितने भी मेरी टीम थी उन सबने मेरे साथ काम किया उन सभी का थैंक्स बोलना चाहूँगी। और सुनील जी का इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी मूवी में कास्ट किया। और आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है आप लोग मूवी देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा मूवी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है और इस साल की आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा लाफ्टर वाली मूवी है तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा। पहली लेडीज में इतना तो आप सभी ने क्या सर कोई ऐसी चेयर थी जो नजदीक पास थी अपू जी साथ बैठ जाते हो अपू जी हमारे बिहार और झारखंड के हैंडसम डिस्ट्रीब्यूटर दादा माइक माइक्रोफोन दे दीजिए दूसरा माइक जो हाँ बैठ के कर दीजिए इसका योगेश भाई लाखानी मतलब आ चुके हैं जोरदार तालियां योगेश जी आ जाइए स्टेज पे आ जाइए सीधा जोरदार तालियां योगेश भाई के लिए। हेलो योगेश भाई ने हमारी तमाम फिल्मों पर बहुत सारी होर्डिंग दिए हैं इस बार भी दे रहे हैं कितने मेरा खुद मुखने मुंह से बोलेंगे बताना नहीं चाहता
सब बात हो चुकी है, अंदर की बात है, लेकिन कल से होगी, आपको देखने शुरू हो जाएंगे। ये कपड़े पहने हमारी भावना को समझ के बहुत सारे उन्होंने होली खेले जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। फिल्म आप लोग यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, भावना को समझो। 52 स्टैंड अप कॉमेडियन है उस फिल्म में, इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिल्म है। फिर एक आई मनी बैक गारंटी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। और तीसरी फिल्म बिग बॉस, तो तीनों फिल्मों में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज हमारे योगेश भाई। योगेश भाई आप लाखों में एक हो, इसमें मालिक ने अपना नाम लाखा नहीं रखा। योगेश भाई कुछ आशीर्वाद के रूप में दो शब्द बोलिए। बिग बॉस का म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, तो थोड़ा तारीफ कर दीजिए। सर आप तारीफ के काबिल हो, और चांद को सूरज को अपनी पहचान या तारीफ देने की जरूरत नहीं है। सुनील सर बहुत अच्छे इंसान है, और इनका और बाबू जी का हमारा रिश्ता है, और इनकी सब कुछ का सुपर डुपर हिट हो रहा है, और मैं स्पेशल बोरली से इनको विश करने के लिए आया हूँ, और छोटी बड़ी जगह हर एक को प्रमोट करता हूँ और दिल से करता हूँ। रमेश भाई आप सामने बैठिए ताकि हमारी हिम्मत बढ़ती रहे। जो जो लोग मेरे बातों को गौर से नहीं सुन रहे हैं, उनको मैं आज एक शादी भेजने वाला हूँ। वो शादी जिसकी हो रही है उसका नाम साक्षी। लोग अग्नि को साक्षी मान के शादी करते हैं, उसमें वो साक्षी को अग्नि मान के शादी करते हैं। आज कुर्सियाँ और बढ़ा दी जाए क्योंकि हमारे गेस्ट सब बहुत ऑन द वे हैं। कुछ लोग गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से आ रहे हैं, कुछ लोग बारिश की वजह से तैर गया है, इतनी बारिश होती बार। तो अरविंद जी के बारे में क्या कहूँ, राजस्थानी फिल्मों के सुपरस्टार है, एक ही बहुत सारी फिल्में हमने देखी है, खुल के से कहना चाहता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल को खुद गुरु मानते हैं, पहले अरविंद जी बाद में अरविंद जी। तो अरविंद जी के बारे में कहूं, राजस्थानी मारवाड़ियों के बारे में जोरदार तालियां। उसका कारण बताता हूं कि मारवाड़ी आदमी बहुत मेहनती होता है, इतना मेहनती होता है कि दुनिया में कहीं भी जाए 6 महीने में सेट हो जाता है और 1 साल में वहां का सेट हो जाता है। हाँ इतना मेहनती होता है। चाइना का बाप है मारवाड़ी बिजनेस के मामले में, चाइना का बिजनेस करेगा, चाइना का बाप है, चाइना का बाप है मारवाड़ी, चाइना के पास यही कहते हैं चाइना वाल, हमारे पास अग्रवाल, केजरीवाल, जयसवाल और कई सवाल है, सफरवाल, हाँ इतने सारे वाल है। तो मारवाड़ी आदमी को अपने फंक्शन में बुलाना खाने का काम नहीं है, हालांकि खाने का ही काम है, क्योंकि मारवाड़ी आदमी को आप किसी फंक्शन में बुलाओ कि भाई साहब हमारे प्रोग्राम में अभी तक बच्चे जा रहा है, राजू साथ में डियर फ्रेंड ऑफ सुनील दशर अनिल सर, दोनों ही महान हस्ती है स्टेज पे। आइए एक मिनट हाय ब्रो एक्साइटमेंट प्रदान नहीं कर पा रहा इनको। मैं यही कहता हूं सबसे यंग सीनियर मतलब ये देखिए रूप रंग से राजू है, एज से ये श्रीवास्तव है, मतलब इनकी एज 55 है और ये इतने बड़े नेता बन चुके, पता है जोरदार तालियां प्लीज, खासकर बॉलीवुड के लिए खुशी खबर है क्योंकि हमारे नेता बन चुके हैं। वैसे तो हमारे कलाकार थे, हमारे अपने आदमी तो थे, अब नेता भी हमारे बन चुके हैं, फिल्म विकास मंत्री। तो जब भी आपको कोई फिल्म बनानी हो जो यूपी पर आधारित हो, सब्सिडी लेनी, तो सीधा साहब के घर पे चले जाओ और साहब के घर पे जाके फिल्म बनाने की योजना बनाओ, और कुछ फाइनेंस की कमी हो तो एक मसीहा और भी निर्माण हो रहा है जो जिन्होंने एनजीओ खोल लिया है सपोर्ट करने के लिए, वो है हमारे अनिल जी। तो मैं चाहता हूँ दोनों दो दो शब्द कहें ताकि फॉर्च्यून की शुरुआत कर सके। अजय सबसे पहले आप शुरू हो गया शुरू मान लो मैं सुनील के बारे में क्या कहें, हर बार आप लोग खूब सुनते हैं, सबको पता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है योगी भाई कि स्टैंड अप कॉमेडियन में हिम्मत करना
और फिल्म बनाना तो हमारे कॉमेडियन में इनकी पहली फिल्म है जो प्रोड्यूस की है और ये बनाते हैं, डायरेक्ट भी किया, नहीं डायरेक्ट भी किया, तीन फिल्म बना चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी कोई फिल्म बनती है, चाहे यश चोपड़ा की बने, चाहे संजय लीला भंसाली की बने, चाहे सुनील पाल की बने, किसी की बने, लेकिन काम उसमें सबको मिलता है, एक रोजगार क्रिएट होता है ना, चाहे हमारे टेक्नीशियन टीम हो चाहे कैमरा मैन हो, वो अलग है, ये कमी देता है। तुम्हारे रोजगार कब क्रिएट होगा? तुम्हारे रोजगार कब क्रिएट होगा? आप लोग फिल्म देखने आएंगे तो ये बेरोजगार रोज से लग जाएगा। सो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ सुनील को इस बेहतरीन प्रयास के लिए। ये मैं नाराज हूँ। हेलो हेलो हेलो। सो तीन तीन फिल्म बनाना ये बहुत बड़ी बात है। पीठ पीछे चाहे जो बात हम लोग करें या कोई कुछ भी करे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको मिलके सुनील का साथ देना चाहिए और ईश्वर के साथ है। बहुत बहुत बधाई सुनील, बिग बॉस जी। कुछ दो शब्द हैं दोस्तों। गुड इवनिंग जी, और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने जो आज के प्रयास किया है, मैं तहे दिल से उनका मुबारकबाद देता हूँ। एंड तीन फिल्में ये सुनकर मुझे बहुत अभी पता है समथिंग। और ये जो इन्होंने थॉट लिया है बिग बॉस, अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात, एक साफ सुथरी बच्चे बनाना आज के दौर में अपने आप में काबिल तारीफ है। सुनील भाई, उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में आप और अच्छा काम करें। एंड इन द इयर्स टू फॉलो देयर शुड बी वन नेम इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी फ्रेटर्निटी कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड सुनील पाल हु इज डूइंग समथिंग वंडर्स फॉर फ्रेटर्निटी टू। थैंक यू सो मच। एहसान भाई तो सर बोलो यार, सुनील के तो है अनुज जी की गर्लफ्रेंड आई है जसवीर मातारी। ये कैसा इंट्रोडक्शन है? मातारी मतलब समझोगे ना, मातारी। इन्होंने अरुण जी के साथ में इतने भजन गाए, ये पहले बूढ़ी थी ना, इतने इनकी वजह से देश का हर बुजुर्ग भजन गाने लगा है। जसवीर आओ, सरिता जी प्रोड्यूसर हमारी आ चुकी है, प्लीज आइए। भाभी जी का जोरदार स्वागत कीजिए, स्टेज पे आ जाइए। मेन माल यहीं से आ रहा है। अशोक जी का जोरदार ताली। अशोक जी आइए, अरे हमारे बहुत ही प्यारे मित्र, अजीज मित्र और बहुत ही टैलेंटेड कलाकार जिनका फन का लोहा हम सभी बहुत मानते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा टैलेंटेड कलाकार हमारा दोस्त है, हमारा सौभाग्य। अशोक जी दो शब्द आप कहना चाहेंगे और कहिए फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब भी अपने दोस्त याद आते हैं तो जैसे ही मुझे स्टेज पर देखते हैं समझ जाते हैं ये कुछ न कुछ कुमार सानू और शब्बीर कुमार की बात करेगा। और सिचुएशनल होता है, मैं करूँ क्या, आज म्यूजिक लॉन्च है और कंपनी का नाम है प्रिया, तो कुमार सानू साहब याद आ गए। ओ प्रिया ओ प्रिया प्रिया, ताली बजा दे ओ प्रिया, ओ प्रिया ओ प्रिया प्रिया, खाली ही बैठो बस प्रिया। बहुत धन्यवाद। अच्छा सुरेश वाडकर जी होते तो
Hey, लड़के ओ प्रिया प्रिया, ये डी मेजर था, तुमने माइनर कर दिया, क्यों भुला दिया बेवफाया बेरहम, क्या कहूँ तुझे सनम, तूने दिल तोड़ा है, भूल क्या हुई ये बता जा, ओ प्रिया प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और सच में ये मौका दिया सुनील भाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट बोलना चाहिए क्योंकि सारे धुरंधर लोग हैं, और ऐसे धुरंधर के बीच एक दोस्त दोस्त को याद करता है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और बाकी सुनील पाल के बारे में सब लोग जानते हैं, इन शॉर्ट सिर्फ खत्म करूंगा दो शब्द कह के, कि सबसे पहले तो सैल्यूट टू राजीव श्रीवास्तव जी, एक बार सचमुच जिनके हाथ खाली है, मेरी तरफ से राजीव श्रीवास्तव जी दो हाथ खाली हाथ जिनके हैं जी, 92 के दौरान जब मैं नया नया बहुत कम एज में आया था, राजीव भाई खुद भी बच्चे थे, तो खुद ही बच्चे थे, तो दो बच्चे हाँ, और मैं पब्लिकली अक्सर बोलता हूँ, अक्सर बोलता रहूंगा, सचमुच मैं लावारिस था, खाने को खाना नहीं था, रहने को घर नहीं था। राजू भाई ने बहुत छोटा सा एक फ्लैट खरीदा था अपनी जिंदगी की कमाई से, 3 लाख रुपए का छोटा सा फ्लैट दैट टाइम, जो बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने बिना पहचान के मुझे बोला कि बस तुम इंसान अच्छे लगे, आ जाओ मेरे घर में रहो, तो साथ में हम राजू भाई के साथ रहे 92 से। तो सैल्यूट टू राजू श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। एंड सेकंड कम टू द पॉइंट अबाउट सुनील पाल, सुनील पाल के बारे में 2 मिनट सुनील पाल खुद नहीं सुन रहे हैं जी, सुनील पाल के बारे में कहना चाहूंगा, लाफ्टर चैलेंज से बहुत पहले जब 96 में आए थे नया नया, तो हम हमारी इनकी मुलाकात हुई और ये मुझसे बोलते थे यार राजू श्रीवास्तव है क्या घर पे, क्योंकि हम साथ में रहते थे, क्यों ऐसे ही चाय पीते मिलते हैं, मैंने कहा भाई मिलते हैं, तो गए मिले बैठे, ये तब से इंट्रोडक्शन है 96 से। उस वक्त सीरियस ना मैं इनको लेता था ना ये लेते थे, एंड आफ्टर दैट लाफ्टर चैलेंज आया, उसको विन किया, और रात दिन 2005 से लेके अब तक हम लोग, आप बिलीव करना, रात रात भर जग के अगर किसी को काम करते हुए देखा और ये डेडिकेशन देखा अबाउट हिज वर्क, दैट इज सुनील पाल। तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर सुनील पाल फॉर दैट। एंड रियली मुझे सुनील पाल ने इंस्पायर किया कि आपको अपने काम से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, मैं कितना सक्सेस हूं आई डोंट नो, बट जो कुछ हूं सुनील पाल ने मुझे इंस्पायर किया था, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, लव यू ब्रो। थैंक यू अशोक जी, वीआईपी थोड़ा 2 मिनट के लिए आइए, क्योंकि हम लोग फंक्शन इसके बाद 5 बजे शुरू करेंगे, लेकिन मैं तब तक चाहता हूँ कि मेरी तारीफ की जाए। सुनो, सबसे यही शर्त है कि सिर्फ तारीफ करना, ठीक है मेरे भाई, सबने इतना अच्छा अच्छा बोला है, मेरे तो कुछ बचा ही नहीं है। राजू भाई ने बोला, एसएन भाई ने बोला, सबने बोला, मैं बोलने वाले बोलेंगे बोलेंगे तो कविता के साथ में बोलेंगे, ऐसा जो फिल्म मेरे भी बनी है। लेकिन बहुत अच्छा, मेरे भाई जिस समय सुनील भाई मुझे कॉल किया था फिल्म के लिए, उस समय मैं कहीं और था मैं, लेकिन शो के लिए गए थे,
काफी बड़ी
आपकी अब